आगे से राइट जाना है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? सो दोस्तों, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? कौन सा डे आज आपको लर्न करना है? मेरा आज 9th डे है। आगे से राइट जाना है। सो दोस्तों, आज भी बताने वाला हूँ कि टर्निंग के टाइम राइट वाला पैर किस पैंडल पे होना चाहिए, टर्निंग कौन से गियर में करना चाहिए, टर्निंग करते वक्त हमें हाफ क्लच लेना चाहिए या फुल क्लच लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ डाउट्स रहते हैं और अच्छे से उनको समझ में नहीं आ पाता है कि किस तरीके से हमें कार को टर्न करना चाहिए। अभी देखो, टर्निंग आ रहा, फाइनली आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे आया और 50% क्लच दबा लो, और एक्सीलेटर पे तब तक पैर मत ले जाना जब तक मैं कहूँ ना। ये भी स्पीड ज़्यादा ही थी टर्निंग के हिसाब से, है पूरी गाड़ी लहरा गई क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी, और यहाँ पे स्टीयरिंग भी आप अच्छे से नहीं समझ पाए। यहीं से राइट जाना है, कोई एक्सीलेटर की नीड नहीं है, पूरा क्लच नहीं दबाना होता डियर, सिर्फ हाफ क्लच। आप फुल क्लच दबाओगे तो क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी, और आप फुल क्लच दबा ले रहे हो और स्टीयरिंग अभी इतना ज़्यादा घुमा दे रहे हो लेफ्ट और राइट, जिसकी वजह से पूरी गाड़ी आपकी लहरा रही है, एक जगह स्टेबल नहीं चल पा रही है, क्योंकि ये पावर स्टीयरिंग है। अगर आप ज़रा सा भी स्टीयरिंग मूव करते हो तो टायरों का मूवमेंट चेंज होता है। ब्रेक पे पैर, हाफ क्लच, टर्निंग से 50 मीटर पहले आपका सिग्नल, हॉर्न और राइट वाला पैर ब्रेक पे। ब्रेक दबाना नहीं है, खाली पैर होना चाहिए, दबाना नहीं, आपने 50% ब्रेक लगा रखा है, और पैर हवा में भी नहीं रहना चाहिए, ब्रेक से टच रहना चाहिए, ब्रेक से टच रहना चाहिए, और हमेशा अपना लेफ्ट दबा के टर्न करते हैं। हाँ, और स्टीयरिंग बहुत लाइटली, बहुत हार्ड नहीं है, बस स्टीयरिंग को एक बार अच्छे से आप इसको समझ लो कि स्टीयरिंग का रोल क्या है। ज़रूरत नहीं है एक्सीलेटर की, ज़रूरत ही नहीं है एक्सीलेटर की, टच ही नहीं करना, यही तो पेशेंस चाहिए। कुछ लोगों के माइंड में गलतफहमी बैठी होती है, उनके दिमाग में बैठा होता है कि बिना एक्सीलेटर गाड़ी हमारी रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। मैं पूरे पूरे दिन बिना एक्सीलेटर गाड़ी चलवा देता हूँ फर्स्ट और सेकेंड गियर तक, तो यहाँ पर एक्सीलेटर की कोई नीड ही नहीं है, आपको छूना ही नहीं है एक्सीलेटर, समझ रहे, छूना ही नहीं है। अब हमें सीधा चलना है, अभी ये कच्चा रास्ता दिख रहा है लेफ्ट में, यहीं से लेफ्ट टर्न करना है, अपनी स्लो कर लो गाड़ी ताकि ये निकल जाए। हाँ, अब लेफ्ट का सिग्नल दो, अच्छा रास्ता, ये एक अच्छा रास्ता, इसी में टर्न करना है हमें। हाँ, जब आप पहले से क्लच दबा लेते हो ना तो ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लास्ट मोमेंट पे अगर आप क्लच दबाते हो तो गाड़ी में स्पीड बढ़ ही रहती है। जब हम पहले से 10 मीटर 20 मीटर पहले क्लच दबा लेते हैं तो क्या होता है कि जब जिस पॉइंट पे हमको टर्न करना होता है ना, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते गाड़ी की स्पीड अपने आप धीमी हो जाती है। अगर आप लास्ट में कार को टर्न करते हुए आप अगर क्लच दबाओगे तो गाड़ी में तो स्पीड रहेगी, ये भी समझना ज़रूरी। और आप अपना लेफ्ट वाला टायर नहीं संभाल पाते हो, लेफ्ट वाला टायर आपका ज़्यादा चला जाता, अब यहीं से राइट टर्न करना है। हमेशा हमें लेफ्ट वाले टायर को बचाना, राइट साइड में तो आप बैठे हो भाई, तो राइट साइड में नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा। अभी देखो, पूरी गाड़ी लहरा गई नहीं, अभी तो यहाँ खाली है। अगर अभी कहीं आप किसी सोसाइटी में या किसी ट्रैफिक वाले रोड पे चलाओगे तो क्या होगा, लेफ्ट टर्न करना है, क्योंकि जितनी गाड़ी आपकी लहरा जा रही इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा। गाड़ी ज़रा सा भी जर्क नहीं करनी चाहिए, स्टीयरिंग आपका एकदम सेंटर पॉइंट होना चाहिए। अब यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है, हॉर्न, हाँ इस गली में लेफ्ट लेना है, राइट वाला पैर फाइनली आपका ब्रेक पे होना चाहिए। हाँ, गलती से भी एक्सीलेटर मत छू लेना, गलती से भी, समझ रहे हैं, इन सब जगह एक्सीलेटर का कोई रोल ही नहीं, क्योंकि कार में सेकंड गियर में इतना पावर होता है, यहीं से लेफ्ट था, हल्का राइट दबा के कर्व लेके हाँ टर्न करो। सीधी करो, और स्टीयरिंग में 3 राउंड होते, एक होता 30 डिग्री, वो होता हाफ राउंड, एक होता फुल राउंड, वो होता 60 डिग्री, हाँ लेफ्ट टर्न करना, एक होता डेढ़ राउंड, वो होता 90 डिग्री, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको फुल क्लच दबाना पड़ेगा क्योंकि हल्का सा ढलान है। हाँ, अब हाफ क्लच छोड़ दो, गाड़ी वापस गियर में एक्टिव हो जाएगी, नीचे चली गई गई गाड़ी नीचे। देखो क्या फंदा लगाए पड़े हो हाथों में आप, है क्योंकि टाइम पे आप स्टीयरिंग ही नहीं घुमा पाए यहाँ पर, पहले घुमाए टाइम लेके घुमाए। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, आप बहुत लेट स्टीयरिंग घुमाते हो, इसको पहले गियर में करो, चलो टर्न करो लेफ्ट, हल्का रेस ले लो भाई, रेस ले लो, हल्का रेस लो, हाँ सीधी करो फटाफट। एक्सीलेटर की जरूरत नहीं है भाई, नहीं है, छूना ही मत,
मत ले जाओ, पैर ही मत ले जाओ, यही तो आदत है। इसी को तो हमको राइट टर्न करना है, इसी को तो हमको समझना है। बिना एक्सीलेटर चलेगी, ब्रेक मत दबाना बस, अगर ब्रेक दबाओगे तो बंद हो जाएगी, अगर ब्रेक दबाए तो। और एक आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है, पता है आपसे स्टीयरिंग क्यों नहीं संभल रही है? आप हर टर्निंग पे स्टीयरिंग देखने लगते हो, स्टीयरिंग ब्लाइंड होता है, उसको देखना नहीं होता है, हमें रोड पे देखना है। जब आप रोड पे देखोगे तो पता चलेगा ना गाड़ी, अभी गाड़ी कहाँ चल रही है, पूरी रॉन्ग साइड चल रही है। हमारी साइड कौन सी है? लेफ्ट। जो लेफ्ट में आपने जगह छोड़ी वो राइट में छोड़नी है। तो जब हम स्टीयरिंग देखेंगे, गियर देखेंगे, क्लच ब्रेक देखेंगे तो हमको रोड का कहाँ से जजमेंट आएगा? आपको हमेशा रोड पे देख के स्टीयरिंग को टर्न करना है। आदत गलत डाल रहे हो आप, हमेशा आपको स्टीयरिंग देखनी पड़ेगी, हमेशा रोड पे देख के हमें मूवमेंट करना है कि अब हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है। अभी लेफ्ट है, हमें समझ में आ रहा है, अभी लेफ्ट ही रखो, हमेशा अपना लेफ्ट दबा के रोड पे नजर रहेगी तो समझ में आ जाएगा कि हमारा स्टीयरिंग किधर घूम रहा है और हमारे टायर कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको नजर कम से कम गाड़ी से 50 मीटर दूर देखना पड़ेगा, तब ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। जब हम स्टीयरिंग देख ले लगते हैं तो हमको बोनट का अंदाजे नहीं होता कि हमारी गाड़ी लेफ्ट भाग रही है राइट भाग रही है, इस वजह से दिक्कत आ जाती। अभी लेफ्ट का सिग्नल दो पर को बहुत बारीकियां हैं जिनको मतलब समझना है, पहले कर तो तभी हम पाएंगे जब उनको हम समझ पाएंगे। अब यहां हमें अपना लेफ्ट दबा के रखना है क्योंकि हमारी साइड जो है वो लेफ्ट है ना कि राइट है। कुछ लोग क्या करते हैं पूरा राइट सटा के टर्न करते हैं, जैसे अभी वहां गाड़ी रोड से जो नीचे उतरी थी, क्यों उतरी थी? क्योंकि आप अपना लेफ्ट नहीं दबा पाए, लेफ्ट में बहुत स्पेस था, आपने राइट में गाड़ी कुदा दी नीचे। तो हाँ, उसके लिए अब हमें क्या करना है, गाड़ी अपनी लेफ्ट में ही रखनी है ताकि अगर पीछे से कोई बाइक या कार वाला है तो राइट से निकल जाए। और अगर राइट टर्न कर रहे हैं तो थोड़ा सा आधा रोड क्रॉस करने के बाद बस एक राउंड स्टीयरिंग का, जैसे राइट वाला ORBM इस पोल को क्रॉस करे, भाई एक राउंड घुमाना भी नहीं, जब मैं बताऊंगा अब पूरा एक राउंड घुमा दो फटाफट, बस इससे ज्यादा नहीं। लो कितनी जबरदस्त टर्न हुई है, सीधी कर लो फटाफट इसी साइड में, फिर आपने स्टीयरिंग देखी थी। भाई गलत आदत डाल रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत आपकी होगी राइट जाना। आदत एक बार गलत पड़ जाती ना तो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। स्टीयरिंग को देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, एक्सीलेटर की जरूरत ही नहीं थी, नहीं जरूरत थी जो आपने एक्सीलेटर दिया, क्योंकि आपको भी ये चीज क्लियर ही नहीं हो पाई, आपके माइंड में अभी भी डाउट बैठा है कि मेरी गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी बंद हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। ये एक्सीडेंट के, अगर आपने एक्सीलेटर थोड़ा ज्यादा मार दिया और गाड़ी का स्टीयरिंग लेफ्ट या राइट कटा हुआ है तो क्या होगा, भिड़ जाएगी। इसलिए बार बार टर्निंग पे एक्सीलेटर नहीं लेना चाहिए, अगर आपको अच्छे से एक्सीलेटर का आइडिया नहीं है तो। थोड़ा पेशेंस रखो, गाड़ी आपकी धीरे धीरे अपने आप निकल जाएगी, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। बस एक राउंड से ज्यादा नहीं, अब सीधी कर लो, गाड़ी अपने आप लेफ्ट में आ गई। आप हमेशा टर्न करते थे तो राइट भाग जाती थी आपकी गाड़ी, है ना? अब यहां से हमें लेफ्ट चलना है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती जिनको हमको समझना है और सीखना है, क्योंकि अभी तो मैं बैठा हूं तो आपको एक ही चीज गाइड कर रहा हूं। आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, अब देखो उंगलियों से दबाया आपने एक्सीलेटर, अब यहां आपने मिस्टेक कर दी। मैं सीधा ले जाना चाह रहा था आपको, मैंने बोला ही नहीं कि लेफ्ट चलना है, बोला नहीं बोला, मैं आपको बोल रहा था स्पीड बढ़ा के सेकंड गियर डालना है, क्योंकि मैं इसीलिए बोला था स्पीड बढ़ाओ। अब देखो लेफ्ट में गाड़ी आपकी ज्यादा जा रही है, क्योंकि आप इस मिरर को 1% भी नहीं देख पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको लेफ्ट का अंदाजा नहीं मिल पा रहा कि आपके लेफ्ट में रोड कितना बचा हुआ है। इस मिरर से आपको आपके लेफ्ट के टायरों का जजमेंट, गाड़ी की लेफ्ट की बॉडी का, गाड़ी के लेफ्ट में कितना रोड बचा हुआ है, वो सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन इसको जब हम देखने की आदत डालते हैं तब, अगर नहीं देखते हैं तो हमें ये चीज समझ में नहीं आएगी। आधा रोड क्रॉस होने के बाद टर्न करोगे, अब टर्न करो एक राउंड फुल, बस इससे ज्यादा नहीं, बस अब सीधी करो फटाफट, ज्यादा राइट फिर चले गए, देखो फिर चले गए राइट। आप जब मैंने बोला तो सीधी करी नहीं, उसके बाद आप, भाई गाड़ी चल रही है, रुकी नहीं है, आप 1 सेकंड भी लेट हो गए तो गाड़ी तो आगे बढ़ गई। इस वजह से दिक्कतें आती हैं, हर चीज को यहाँ बिफोर प्लान करना है। अब यहाँ पे आपको हॉर्न भी देना था, क्योंकि आप गली से निकल रहे थे, तो जो गली से निकलता उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। अभी स्पीड मेंटेन करो, अभी 20 की स्पीड लेके जाओ। हाँ, अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ और क्लच दबा के सेकंड गियर करो। हाँ, अब पहले
पहले क्लच को पूरा रिलीज करो, यही जो आप छुपन छुपाई खेल रहे हो ना, यही नहीं होना चाहिए। जब पूरी तरीके से क्लच रिलीज हो जाए उसके बाद ही हमको एक्सीलेटर पे जाना चाहिए। आपने दो बार अभी टच किया उसको एक्सीलेटर को, क्लच रिलीज नहीं हो पाया तो उससे पहले दो बार एक्सीलेटर पे गए जाने, ये सब बारीकियां हैं। कोई भी ड्राइविंग स्कूल वाला ये सब नहीं बताता, वो कहता है ये भाई एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, सीखो सीखो ना, जाओ कहीं भी जाओ, भेड़ो लड़ो मरो उससे कोई मतलब नहीं, स्लो कर लो स्लो कर लो, रोक लो गाड़ी पूरी, स्टॉप कर लो। अब यहाँ गलती किसकी थी? मेरी थी, पूरी गलती आपकी थी। या तो पहले रुकना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था भाई। जब मैंने कहा था रोक लो तो उसी टाइम आप खड़े हो जाते, गाड़ी धीरे धीरे आपकी बढ़ रही थी। वो रुक गए थे तो हमको लगा कि अब साइड से निकल लेते। जब मैंने आपसे कहा था गाड़ी रोक लो, उस टाइम आपको तुरंत क्लच लेके ब्रेक ले लेना चाहिए था, तब वो बीच में था, तब वो बीच में था। फिर जब आपकी गाड़ी धीरे धीरे रेंगती गई है, मेरे बोलने के बाद भी गाड़ी आपकी एक मीटर बढ़ गई, तब वो उस साइड में चला गया, जब उसको लगा कि आप नहीं रोक रहे हो। अगर जिस टाइम बोला था उसी टाइम अगर रोक लेते, क्योंकि एकदम सट के गाड़ी थोड़ी टर्न हो पाती है, एकदम सटा के गाड़ी लगा दो तो गाड़ी थोड़ी कट पाएगी, दो तीन मीटर का डिस्टेंस चाहिए होता है गाड़ी को टर्न करने के लिए भी, लेफ्ट और राइट निकालने के लिए भी, तो उसके लिए भी हमें बिफोर प्लान करना होता है। कभी भी कोई भी गाड़ी अगर आ रही है सिग्नल दे रही, तो आप 10-20 मीटर पहले गाड़ी को धीमा कर लो, ये नहीं कि वहां पे अगर उसने सिग्नल दिया था थोड़ा और पहले आप हाफ क्लच लेके ब्रेक ले लेते तो वो इजीली निकल जाता वो, क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी स्लो हो जाती, तब तक वो क्रॉस कर जाता, पर वो उसके लिए बिफोर प्लान करना था। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।